हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एसी जनरेटर यानी एसी डायनामो। क्लास टेंथ का टॉपिक है ये और हमेशा पूछा जाता है 5 नंबर के क्वेश्चन में। इसका डायग्राम, प्रिंसिपल और वर्किंग हमें लिखनी होती है, कंस्ट्रक्शन करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं एसी डायनामो होता क्या है। चलिए शुरू करते हैं। एसी डायनामो, मैं आपको पहले इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ, आपको एग्ज़ाम में भी यही लिखनी है। इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी into mechanical energy। ठीक है, एसी और डीसी में भी मैं आपको फ़र्क बता देता हूँ। मैं आपको डीसी डायनामो भी पढ़ाऊँगा। तो एसी करंट मतलब होता है यानी अल्टरनेट करंट जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, एक वो फ्रीक्वेंसी पे चलता है, और जो डायरेक्ट करंट होता है उसकी ज़ीरो फ्रीक्वेंसी होती है। यानी एसी का मतलब है कि ये मान लीजिए एक अपना ग्राफ है, तो एसी करंट ऐसे चलता है एक कंप्लीट साइकिल करते हुए। तो जैसे हमारे इंडिया में जो घरों में करंट आता है वो 50-60 हर्ट्ज़ का आता है पर सेकंड, ये उसकी फ्रीक्वेंसी होती है हर्ट्ज़ में जो नापते हैं हम। यानी 50 से 60 बार वो ऐसे फ्लक्चुएट करता हुआ जाता है एक सेकंड में, और जो डायरेक्ट करंट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होती है। ये बस एक न्यूट्रल लाइन होती है। ठीक है, इसका प्रिंसिपल बता देता हूँ मैं आपको, ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। ये देख लीजिए आप प्रिंसिपल इसका, ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स पे काम करता है। इसकी भी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ, आपको एग्ज़ाम में भी ये लिखनी है, बिल्कुल आपके नंबर श्योर हो जाएंगे। तो जो EMF है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये ई अल्फ़ाबेट वाला ऐसा नहीं लिखते, बल्कि इसकी बजाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स को ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे दर्शाते हैं बी के ऊपर एरो ऐसे। ठीक है, ये देखिए ऐसे दर्शाते हैं, और ई ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो इसका प्रिंसिपल की मैं डेफिनेशन आपको दे देता हूँ। व्हेन मैग्नेटिक flux change inside closed loop then electromagnetic flux is induced। यानी ये जो flux है, जो energy है, वो induced होगी, is induced। देख लीजिए, अब इसका कंस्ट्रक्शन में आपको पहले लिखना होगा। जैसे आप एग्जाम में आता है तो आप ऐसे लिखेंगे, ये कंस्ट्रक्शन हो गया इसका, ये प्रिंसिपल, ये इसकी डेफिनेशन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हमें चाहिए होता है, इसमें आप एग्जाम में भी ऐसे लिखना, परमानेंट मैग्नेट स्लिप रिंग्स आर्मेचर। एक बात और कि एसी डायनामो में हमेशा स्लिप रिंग्स होती हैं, ना कि स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग्स होती हैं डीसी डायनामो में, स्लिप रिंग्स आर्मेचर ब्रशेज। ये ब्रशेज जो होते हैं ये कार्बन के होते हैं, आर्मेचर चाहिए होता है और ब्रशेज आर अरेंज एज अकॉर्डिंग टू डायग्राम। जो हम डायग्राम बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग ये अरेंज होंगे, आर अरेंज एज अकॉर्डिंग टू डायग्राम। ठीक है, तो मैं आपको ये पिक्चर बना के दिखा देता हूँ, आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही बनानी है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ये देखिए हमारा नॉर्थ
साइड पोल का मैग्नेट हो गया, ये साउथ पोल का। अब आप ये समझ लीजिए कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक जो लाइंस हैं ये ऐसे ट्रेवल करेंगी इनमें बहुत सारी, क्योंकि नॉर्थ टू साउथ जो मैग्नेटिक फील्ड्स जाएंगी उस वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगी, क्योंकि अपोजिट साइड में मैग्नेट रखा हुआ है। नहीं तो अगर जैसे कि मान लो इधर एक ही मैग्नेट होता, मान लो अगर आप सपोज करें इधर साउथ पोल इधर नॉर्थ, तो ये ऐसे घूम के जाती, लेकिन इधर मैग्नेट होने के कारण ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा इनकी मैग्नेटिक फील्ड्स को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर्मेचर जो इन दोनों के बीच में आएगा। ये देखिए, ये जो आर्मेचर पे जो भी आउटपुट फोर्स लगेगा, जैसे जो भी है इंजन से या हाथों से जो भी है, वो यहाँ से फोर्स लगेगा और यहाँ पे अटैच हो जाएंगे कार्बन ब्रशेस। मैं आपको दिखाता हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम भी नहीं है, आसान ही है अगर आप इसे ध्यान से समझ लें एक बार। ये देख लीजिए ऐसे है, ये दो आपको ब्रश लगा देने हैं। ये देखिए ऐसे, ये स्लिप रिंग्स हैं ऐसे, ये कार्बन ब्रशेज हो गए। यहाँ से वायर जा रहा है और ये आप कोई भी रेजिस्टेंस लगा दीजिए, रेजिस्टेंस लगा दीजिए। ये देखिए ऐसे, और आपको यहाँ जो ब्रश दिख रहा है यहाँ पे अटैच करना है दूसरा वायर, या नीचे थोड़ा कट रहा होगा तो आप रेजिस्टेंस लगा दीजिएगा, और कुछ भी नहीं है नीचे। फिर भी ना समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसे आप ब्रश वन मान लीजिए, इसे ब्रश टू मान लीजिए, यहाँ पे रिंग वन मान लीजिए, रिंग टू मान लीजिए। ये देखिए, ये हमारा हो गया है डायग्राम कंप्लीट। बस इतना सा कर देंगे आप तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, बस ये थोड़ा सा लिखने के बाद। ठीक है, अब आपके पास अगर टाइम है, और वैसे टाइम ना भी हो तो भी आपको एक कंपलसरी है वर्किंग इसकी लिखनी, तो मैं आपको वर्किंग और समझा देता हूँ। मैं पहले इसको आपको बोल के बता देता हूँ। व्हेन कॉइल ए बी सी डी रोटेट्स इन मैग्नेटिक फील्ड देन फ्लक्स फील्ड चेंज ड्यू टू वेरिएशन ऑफ एंगल, जो हम बड़ी क्लासेस में थीटा मानते हैं, ये जो एंगल है ये हम थीटा मानते हैं, क्योंकि तो जब थीटा चेंज होगा जब ही इंड्यूस्ड करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इन फर्स्ट हाफ रोटेशन करंट फ्लो आउट थ्रू B1, इन अनदर हाफ रोटेशन करंट कम्स आउट फ्रॉम B2। पहले रोटेशन में, हाफ रोटेशन में B1 से करंट रोटेट कैरी करेगा और फिर B2 कैरी करेगा अनदर हाफ रोटेशन में। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज इन आर्मेचर, ये देखिए जो मैं आपको डायग्राम बना रहा हूँ ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा ऐसे, मतलब ये राइट साइड से बाहर की ओर आएगा ऐसे। ठीक है, देयरफॉर इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन वी ऑब्टेन साइन वेव फॉर्म। साइन वेव फॉर्म यही होती है, मैंने जो आपको बताया कि फ्लक्चुएट यानी AC करंट आपको मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको वर्किंग लिखवा देता हूँ इसकी। व्हेन कॉइल ABCD, तो फ्रेंड्स मैंने आपके लिए वर्किंग की डेफिनेशन लिख दी है, आप ये लिख देंगे, इतना सब कुछ बस एक पेज में आ गया है मेरे, तो थोड़ा आप खुला खुला अच्छे से लिख दीजिएगा, तो आपको 5 नंबर लेने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, और मैं ऊपर जो आपको ये दिखी नहीं थी साइन साइन वेव फॉर्म, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए ऐसी होती है साइन वेव फॉर्म, करंट फ्लक्चुएट AC करंट, अल्टरनेट होता है जो करंट। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड को B के ऊपर एरो ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है, और ये आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ वापस। व्हेन कॉइल ABCD रोटेट्स इन मैग्नेटिक फील्ड देन फ्लक्स फील्ड चेंज ड्यू टू वेरिएशन ऑफ एंगल थीटा, जब मान लीजिए ये घूमता है तो इसका एंगल भी चेंज होगा जिसके वजह से करंट इंड्यूस होता है। एंड अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इन फर्स्ट हाफ रोटेशन करंट फ्लो आउट थ्रू B1, इन अनदर हाफ रोटेशन करंट फ्लोज आउट फ्रॉम B2, एंटी क्लॉकवाइज इन आर्मेचर। ठीक है, तो इसकी वर्किंग है, यहाँ पे भी आपको नहीं दिख रहा तो बस एक रेजिस्टेंस लगा देनी है ऐसे जिगजैग वाली,
और इसके आगे यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बस आप इसके आगे दो लाइन और लिख दीजिएगा, देयरफॉर इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन वी ऑब्टेन साइन वेव फॉर्म। ठीक है, ये आपका पूरा एसी डायनेमो कंप्लीट हो गया है। अगली वीडियो में आप अगले पार्ट में देख पाएंगे डीसी डायनेमो। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। हाँ, और आप इसका स्क्रीनशॉट खींच के रख लीजिए, बस एग्ज़ाम हो उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा और आपका ये एसी डायनेमो डीसी डायनेमो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।